Check the mic and make sure it sound right, boys. तो रिजॉर्ट के पीछे से जस्ट एक रास्ता जाता है जो कि चढ़ता है उस पहाड़ पे। एडवेंचर तो करनी थी तो इसीलिए बस निकल रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है पर फन तो करना है, इतनी दूर आए हैं। फिर करेंगे रिजॉर्ट से चेकआउट और जाएंगे टेंपल एंड देन ऑफ टू बैंगलोर। फिलहाल चलते हैं और देख के आते हैं कि ऑफ रोडिंग का क्या सीन है, क्या सीन है बॉस। बात यह है कि हम्पी के सारे पहाड़, आप जितने भी पहाड़ देखोगे हम्पी पहुंचने से इवन पहले, वो सारे ऐसे बिग रॉक बोल्डर्स हैं, तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग ट्रेल्स बहुत कम है। चलो, सारे पत्थर वाले पहाड़ हैं। बस सुबह सुबह हम लोग चाय पाय पी रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि एक बाइक जा रही है सॉर्ट ऑफ ए ट्रेल पे, तो हम लोगों ने भी सोचा यार व्हाई नॉट, और हम लोग भी आ गए। आई थिंक यहाँ से चालू हो रहा है अपने पहाड़ चढ़ने का किस्सा। आई थिंक सो, चलिए देख के आते हैं। और यार अगर आप लोग को पता है कि हम्पी में कोई ट्रेल वगैरह है तो यार बता देना, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पक्का जाऊँगा मैं। मेरे को यार कुछ भी नहीं मिला, लिटरली दिस इज सॉर्ट ऑफ आर लास्ट रिजॉर्ट। कहाँ खड़ी होगी तू जाके? ब्यूटीफुल बीस्ट। और वो रहे हमारे आरकेडी भैया, आपके लिए ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं जो कि मेरे ब्लॉग में भी देखे जाएंगे। तो ये थी कुछ जगह जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और अभी वापस जाने का टाइम हो रहे हमारे बंदे, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। बस अभी जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे टेंपल घूमने और वहाँ से वापस बैंगलोर। फिलहाल के लिए प्लान तो यही है, देरी काफ़ी हो गई है। अरे जी पहुँच गए, टाइम टू गेट अप इन द प्लेस नाउ। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए, अभी अपन बढ़ रहे हैं स्टोन चैरियट की तरफ। गर्मी बहुत है और हम थोड़े लेट भी हो गए हैं, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। हमें निकलना था हम्पी से बैंगलोर की तरफ सुबह 11:30 बजे, पर ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं तो शायद उतना डिटेल्स में नहीं देखेंगे। जितना भी हो सके कवर करते हुए बस बैंगलोर निकलने का प्लान है। स्टोन चैरियट मंदिर वगैरह सब कुछ 20 किलोमीटर दूर है हम जहाँ रहते थे वहाँ से। रास्तों में कोई इशू नहीं है, हाईवेज भी मिलते हैं, पर यार गर्मी बहुत है। विजय विठल टेम्पल
ऑलमोस्ट देयर। इसी रास्ते से मिलेगा हमको स्टोन चैरियट, विरूपाक्ष टेम्पल, पुराना वाला हम्पी का मार्केट। तो प्रिटी मच सब कुछ इसी रास्ते से होते हुए जाता है। देखो यहाँ पर लिखा विरूपाक्ष का टेम्पल 10 किलोमीटर, स्टोन पास 6 किलोमीटर। हाँ, स्टोन चैरियट कहाँ पे चलेगा? यहाँ है। ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। गाड़ी में लेके तो पार्क उधर गाड़ी आता है। हाँ, उधर से 1 किलोमीटर नहीं जा सकते ना, स्किप करना होगा मेरे को लग रहा है। वो इलेक्ट्रिक कार्स है, गोल्फ कार्ट्स, क्या करें, स्किप। अंदर गाड़ी लेके नहीं जा सकते, मेरे को मेहनत करना नहीं है इतना सामान के साथ ना। हाँ यार, गर्मी भी बहुत है यार। चल यार, टेंपल देखते हैं। हाँ हाँ चल। तो यार सीन कुछ यूँ है कि अपन अपनी बाइक लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे गोल्फ कार्ट्स वगैरह कुछ कुछ है इलेक्ट्रिक कार्स। आप अपनी गाड़ी बाहर रखो और उनमें जाके कुछ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है उस गेट से, स्टोन चैरियट विजिट करके आ सकते हो। अभी तो हम लोग बस पैकअप करके निकल रहे थे, सामान वगैरह सब कुछ बैग पे है, तो हम लोग उतना सब कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं टेंपल की तरफ। उसी रास्ते पे सीधा आने से 10 किलोमीटर में टेंपल और वो हम्पी का पुराना मार्केट मिलेगा। ये तो नहीं देख भाई, एटलीस्ट देखते हैं वो देखने का मौका मिलता है कि नहीं। ये तो अपने को हर राइड में मिल ही जाता है, चाहे वो 100 किलोमीटर का हो, 400 किलोमीटर का हो, 800 किलोमीटर का। भागते हुए भेड़ भाई, क्या खा रहा है यहाँ पे बाइक के पीछे? काफ़ी रॉयल एंट्री और अंडर रिपेयर, गजब। अरे माहौल ही बदल गया, वाह 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 वाह। अच्छा, बहुत कुछ चीजें हैं यार। ओ क्लासिक मैन, जस्ट पार्क साइड 2 मिनट आई विल रिटर्न। वेयर डू आई पार्क सर? ओके, वो बोल रहे हैं कि मंदिर वंदिर के बारे में बता देंगे, मंदिर बंद है अभी। हाँ नहीं यार, देखने में तो बहुत मजा ही आ रहा है, रास्ते में भी देखते हुए आ रहे हैं ना। बस अभी हम लोग को एक्चुअली बहुत लेट हो गया है। ये जो है ना, ये मेन टेंपल है। इसी टेंपल का रिफ्लेक्शन वो अंदर बनता है, जो उल्टा दिखता है ऐसे। अच्छा, टेंपल उल्टा दिखता है रिफ्लेक्शन में। वो एक छोटा सा होल है, तो लाइट पास होता है और वो अंदर काला सा रूम अंधेरा, उसमें ये उल्टा दिखता है ये ऐसे। ओके, और उसमें कोई लेंस नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा होल है। क्रेजी भाई, मार्केट एरिया यही था, वही दिख रहा है ऊपर पर। ये तो पहले कुछ ओल्ड मार्केट ये था। अच्छा, और ओल्ड मार्केट ये है? टोटल 5 मार्केट आता है सर। हाँ ओके, एक गोल्ड, एक सब्जी का, एक फूल का, एक पान बाजार सुपर, उनमें से वेश्यावाटिक है, बोल तो वेश्यावाटिक है बोले तो। हाँ हाँ, वो तो समझ गए। मार्केट इधर पे, ये गोल्ड मार्केट है पूरा। तो विजय विठल टेम्पल के ना है ना, घोड़े का मार्केट है। अच्छा, तो विजयनगर एम्पायर था ये, जब गया था ना किंग रूल करते करते, जब वो अशोका एम्पायर तक पहुंचा, जहाँ पर अशोका राज कर रहा था उड़ीसा, वहाँ पर वो हारा था। अच्छा, तो वहाँ पर जब अशोका से हारा, उसको वहाँ का कोणार्क टेम्पल का वो अच्छा लॉजिक लगाया, ओनली स्टोन चैरियट। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर वॉल पे जीवन में खड़ा आया है, तो चिन्ना देवी के लिए किया है। अच्छा, रानी के लिए, रानी के लिए गिफ्ट था स्टोन चैरियट। अच्छा, बोल के बोलते वो नर्तकी थी, उनका उनको रेस्पेक्ट के लिए। हाँ हाँ, स्टोन चैरियट है ना, उसके पीछे टेम्पल है, टेम्पल राइट। तो वो जो टेम्पल है ना, उसके सामने ही वहाँ पर म्यूजिकल पिलर, हाँ पिलर्स है। हाँ, एक सिंगल स्टोन से जो बनाया हुआ, डिफरेंट बाय डिफरेंट म्यूजिक है। उसको क्या कर दिया बोलते, मुगल ने ना पूरा बर्न कर दिया है, पूरा हार गए बोल के समझ के बाद पूरा गोल्ड डायमंड लेके इधर से पेनाकोंडा को चले गया। पेनाकोंडा, पेनाकोंडा फोर्ट। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, लेके गया पूरा। हाँ, वो लोग ने इधर आके देखा ना, गोल्ड डायमंड नहीं रह सकते, हिंदू धर्म कुछ भी नहीं बचना है बोल के सब लूट लिया, पूरा लूट लिया, डिस्ट्रॉय कर गया। 6 मंथ्स में डिस्ट्रॉय किया था। दिस वाज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एम्पायर। हाँ, देखा ना। हाँ हाँ, आनाकुंदी सबके जमाने में ना राजधानी है वो। अच्छा, राजधानी, आपको इधर पे आके गाइड लेने का क्या जरूरत नहीं रहता है सर। कल का एक बंदा ओरिजिनलिटी बंदा ले गया। अरे गाइड सर मतलब क्या होता है, आप गाइडेंस देते हो, नॉलेज देते हो सर, गाइड का मतलब तो वो होता है। आप लोग को सबको स्टोरी पता है ना। चलिए सर, नेक्स्ट टाइम आते हैं तो पक्का। हाँ, उदय, उदय, थैंक यू उदय। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ जी,
थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम आते हैं पक्का। बहुत सारे टेंपल्स और बहुत सारे मार्केट्स वगैरह हैं यहाँ पे, टूरिस्ट तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, बट ना टाइम है और ना मौसम कि हम लोग सारी स्टोरीज सुन सकें। तो भाई लोगों वापस जाने का टाइम आ गया है, अपन निकल रहे वापस। आप लोग थोड़ा एंजॉय कीजिए नज़ारे, ज़्यादा कुछ तो घूम नहीं पाए अपन लोग टेंपल में, तो देखिए बस कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स और रुइंस आपको देखने मिलेंगे, प्रिटी मच पूरे एम्पायर के ऐसे ही रुइंस आपको देखने मिलेंगे थ्रू आउट। काफ़ी सुंदर है पर टाइम लेके आना होगा ये सब जगह देखने के लिए, जो कि हमारे पास बहुत कम है। ओ और मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे गाड़ी के 8000 किलोमीटर हो गए। तो हम लोग को दिखा रहे 370 किलोमीटर वापस बैंगलोर के लिए, निकल तो चुके हैं। आप व्यूज़ को एंजॉय करिए, ये केले का पेड़, नारियल का पेड़, बस व्यूज़ एंजॉय करिए फिलहाल के लिए, और फिर मैं बाद में आपसे बातें करता हूँ। ये लो जी आपके लिए नज़ारे ही नज़ारे। अब तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो यार बताना ज़रूर कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है देखने में। अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और एक लाइक डाल देना वीडियो पे, बड़ी मदद मिलती है। ह्यूज ह्यूज हेल्प फ्रॉम यू गाइस। विश यू हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी, थैंक यू, बाय बाय। तो ये रास्ता पूरा सीधा सीधा मिलेगा चित्रदुर्गा, जहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, और 250 किलोमीटर आगे जाके हम पहुँच जाएंगे घर। पर कुछ खास ऐसे देखने के लिए है नहीं इस रास्ते पे, तो मैं आज का व्लॉग करता हूँ यहीं पे क्लोज। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए टूर पे, एक नए एडवेंचर पे। अंटिल देन टेक केयर यू गाइस, होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। पीस आउट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।